For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान की फिल्म दबंग 3 रिलीज भी नहीं हुई थी कि भाईजान ने एक और कॉप बेस्ड फिल्म की शूटिंग भी किक स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट दबंग 3 के टीजर के साथ जब उन्होंने फैंस को अपनी अगली फिल्म राधे यू मोस्ट वांटेड भाई के टीजर को दिखाया तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वेल, फिर क्या, दबंग 3 रिलीज भी नहीं हुई और भाईजान लग गए राधे यू मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग में। और देखते ही देखते इस फिल्म का पहला स्केड्यूल भी रैप अप हो गया, जिसके चलते अब 40% कम्प्लीट हो चुकी है शूटिंग। और हर साल की तरह भाईजान ने अपने बर्थडे पर ब्रेक ले लिया है। हमेशा सलमान खान अपने बर्थडे को अपने पनवेल फार्म हाउस में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल बहन अर्पिता की प्रेगनेंसी के चलते उन्होंने ये रिचुअल फॉलो नहीं किया और अपने ही बर्थडे के दिन वो एक बार फिर एक नन्ही परी के मामू बन गए। वेल, अब जनवरी के मिड से भाईजान एक बार फिर रफ्तार से काम कर पाएंगे और तब किक स्टार्ट होगा राधे का दूसरा और आखिरी स्केड्यूल। ये स्केड्यूल मिड जनवरी से शुरू होकर मार्च तक चलेगा, जिसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच जाएगी। इनफैक्ट सूत्रों के अनुसार राधे की शूटिंग को मार्च में रैप अप करने के बाद सलमान खान जून में अपनी अगली फिल्म के पहले स्केड्यूल को भी किक स्टार्ट कर देंगे। तो आप फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें बताना ना भूलें। सिक्स ऑफ जनवरी को ऐसा ट्रेलर आने वाला है जो कि सभी की मैडनेस को अनलीश करेगा और उसका सेकंड पोस्टर आउट हो गया है, यानी कि दिशा पाटनी का लुक रिवील हो गया है। यस, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक। दिशा पाटनी बहुत जल्द नजर आने वाली हैं मलंग में। आज सुबह सुबह पोस्टर आया था एक, जहां पर हमने आदित्य रॉय कपूर को देखा, और उसके बाद दूसरा पोस्टर जहां पर हमने देखा कि दिशा पाटनी एक बड़े ही अलग अंदाज में नजर आ रही हैं, जहाँ पर वो उनका हालांकि फुल बॉडी पोस्टर नहीं है, सिर्फ उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को कवर किया गया है, जहाँ पर वो बहुत ही इंट्रीगिंग लग रही है जिस तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पर इस फिल्म में जिस तरह के कैप्शंस दिए जा रहे हैं, अनलीश द मैडनेस, और साथ ही साथ इससे पहले अनिल कपूर सर ने भी जब पोस्टर शेयर किया तो उन्होंने लिखा कि जितना प्यार प्योर होता है उतना ही नफरत भी प्योर होती है। सो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा किस तरह की कहानी है ये। कुणाल खेमू, आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर एंड दिशा पाटनी, दीज फोर मेगा स्टार्स आर देयर इन द फिल्म। और सबसे बड़ी बात ऑफकोर्स मोहित सूरी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनसे हम हमेशा अच्छे कॉन्टेंट की ही उम्मीद करते आए हैं। सो एक्सपेक्टिंग अ गुड फिल्म विद अ गुड स्टार कास्ट एंड अ गुड मैसेज, और पोस्टर देखकर यही लग रहा है। दिशा का लुक बड़ा ही इंट्रीगिंग है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। सलमान खान इज द न्यू डांसिंग बॉय ऑफ द बी टाउन। जी हाँ, सलमान खान आजकल हर बार एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं, और हाल ही में एक पिक्चर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जहां पर हम सलमान को फुल ऑन डांसिंग स्विंग में देख रहे हैं, वो भी किसके साथ, चार खूबसूरत हसीनाओं के साथ। अब इसमें से मैं बताना चाहूंगी, ये फोटो एक मोशन मोमेंट में ली गई है जहां पर डांस हो रहा है एंड फोटो क्लिक की गई है। क्यों? क्योंकि फोटो क्लियर नहीं है, ब्लर है फोटो। यस, और सलमान तो क्लियर दिख रहे हैं, साई मंजरेकर भी क्लियर दिख रही हैं, लेकिन बाकी की तीन लड़कियां कौन हैं, इस पर जरा सी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जोक्स अपार्ट, सलमान खान बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही ब्यूटीफुली डांस करते नजर आ रहे हैं साई मंजरेकर और बाकी की तीन एक्ट्रेसेस के साथ। एक बात मुझे ऐसा लग रहा है, सलमान के एक तरफ साई हैं और दूसरी तरफ जो है शायद कियारा आडवाणी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये बात तो हमें नहीं पता जब तक क्लियर पिक्चर नहीं आती, लेकिन हाँ, ब्लर पिक्चर देखकर ऐसा ही लग रहा है। और ये डेफिनेटली न्यू ईयर्स पार्टी की फोटो है, जहां पर सलमान खूब मस्ती मजाक और धमाल करते नजर आ रहे हैं और साई भी उनको ज्वाइन करती नजर आ रही हैं। वेल, आपने ये फोटो देखी कि नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो देखिए और बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है बाकी की तीन एक्ट्रेसेस कौन है। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। कपिल शर्मा के सेंस ऑफ ह्यूमर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और उनके इसी कॉमिक टाइमिंग और विटी कमेंट्स के चलते उनका द कपिल शर्मा शो सक्सेसफुल रहा है, इतना कि आज ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी अपनी फिल्म को प्रमोट करने उनके शो पर आता है। वेल, ऐसा ही कुछ हुआ जब टैलेंटेड खूबसूरत अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पहुंची उनके शो पर। जी हाँ, डिप्पी की फिल्म छपा कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म में वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर की भूमिका निभाती नजर आएंगी। इतना ही नहीं, इसी फिल्म के साथ डिप्पी ने प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखा। वेल, छपाक के साथ साथ वो वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर
अदाकारा कपिल देव की बायोपिक 83 को भी प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें वो खुद कपिल देव की पत्नी के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में कपिल देव की भूमिका दीपिक के पति रणवीर सिंह निभा रहे हैं और द कपिल शर्मा शो पर इसी बात का जिक्र करते हुए होस्ट कपिल शर्मा ने दीपिक से फ्लर्ट करते हुए कहा, प्यार भी रणवीर से, शादी भी रणवीर से, पैसा भी रणवीर की फिल्मों पर लगा रही है, हम देश छोड़ जाएं। वेल, कपिल शर्मा के इस स्टेटमेंट से ऑडियंस ही नहीं बल्कि खुद दीपिका पादुकोण भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। और अब उनके इस विटी स्टेटमेंट पर दीपिका के पति रणवीर सिंह का जवाब क्या होगा, ये जानने के लिए सभी बेताब हो रहे हैं। तो कपिल शर्मा की इस फ्लर्टिंग स्टाइल के बारे में जानकर आपको कैसे लगा, हमें जरूर बताएं। सूर्यवंशी फिल्म को लेकर ऑडियंस में ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज रीजंस भी वैसे ही हैं। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहा। सूर्यवंशी में ऑफ कोर्स इतने टाइम बाद हमें अक्षय कुमार कटरीना कैफ एक साथ नजर आने वाले हैं और उसके बाद रोहित शेट्टी अक्षय कुमार कोलैबोरेट करने जा रहे हैं और टिप टिप बरसा पानी का रिक्रिएशन होने वाला है इस फिल्म में। जी हाँ, ये सारे फैक्टर्स काफी हैं एक्साइट करने के लिए। लेकिन हाल ही में रोहित शेट्टी एक इंटरव्यू के दौरान बात करते वक्त उन्होंने कहा कि कटरीना कैफ जो है उनके रोल को रिवील करते हुए ये बात कही कि कटरीना प्लेज अ डॉक्टर इन द फिल्म। यस, यानी कि ये बात फाइनली रिवील हो गई है कि जहां सूर्यवंशी में हमें अक्षय कुमार जो है वो एक कॉप की भूमिका में नजर आएंगे, वहीं कटरीना कैफ जो है एक डॉक्टर की भूमिका में नजर आएंगी, जो कि देखना बेहद दिलचस्प होगा बिकॉज हमने कटरीना को कभी इस अवतार में नहीं देखा है। और एक डॉक्टर वर्सेस कॉप की लव स्टोरी कैसी होगी वो भी देखना बहुत एक्साइटिंग होगा। और ये प्लॉट तो चलो रोहित सर ने रिवील कर दिया है कि कटरीना एज अ डॉक्टर नजर आएंगी, लेकिन एक डॉक्टर और अक्षय कुमार यानी कि कॉप जब साथ में सिजलिंग केमिस्ट्री दिखाते हुए नजर आएंगे, जब टिप टिप बरसा का रिक्रिएशन होगा, वो देखने के लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। आप लोग लेकिन कितना एक्साइटेड है ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। बारह जून को फिल्म आने वाली है खाली पीली, कब किसकी कब तो बता दिया लेकिन किसकी आने वाली है वो भी बता देती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहा। ईशान खट्टर और उनके साथ साथ अनन्या पांडे, जी हाँ ईशान और अनन्या एक साथ नजर आने वाले हैं खाली पीली में। बड़ा यूनिक सा नाम है इसका, पोस्टर तो नहीं कह सकते लेकिन एक लुक आप कह लीजिए। इनको साथ में हमने पहली बार देखा जब कुछ ही दिन पहले ईशान और अनन्या दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया साइट पर इसकी फोटो अपलोड करी और साथ ही साथ ये फिल्म जो है अली अब्बास जफर जो है इस फिल्म को बैंक रोल करने वाले हैं। अब ऐसे में एक्साइटमेंट इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज फ्रेश पेयरिंग है दोनों ही लोगों की, दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। जी स्टूडियोज इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं और जहां तक बात की जाए ईशान की, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, ये हम सभी जानते हैं। हमने बियॉन्ड द क्लाउड्स देखी है, धड़क देखी है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं अनन्या पांडे की तो उन्होंने भी अभी तक
दो फिल्म्स की उनकी जो जर्नी रही है काफी अच्छी रही है, बॉक्स ऑफिस वाइज भी हिट रही है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों ही एक्टर्स को एक साथ एक फिल्म में देखने के लिए, और कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नाम ऐसा है खाली पीली, और दोनों लोग यू नो एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिसको देखकर मुझे पता नहीं क्यों जब वी मेट का आदित्य और गीत का वो सीन याद आता है जहाँ पर वो यू नो ट्रेन छूट जाती है और वो कार में बैठ के जाते हैं, तो वो मुझे कुछ रिलेटेबल लगता है। बाकी ये मेरा ओपिनियन था, आप मुझे बताइए आपको ये पोस्टर आपको ये फर्स्ट लुक कैसा लगा। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।